नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बड़ी खबर है बिहार के छपरा से, जहां एक भीषण नाव दुर्घटना हो गई है। बता दें, छपरा के मांझी के मटियार में एक नाव नदी में पलट गई है। नाव में सवार 18 लोग लापता हो गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है। अभी तक 6 लोगों को नदी से बाहर निकाला जा चुका है, उनमें से 3 महिलाओं की मौत हो गई है, अन्य 3 को स्थानीय अस्पताल भिजवाया गया है। 12 लोग अभी भी लापता है। रात का समय हो जाने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। नाव पलटने के कारण का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। घटना शाम को हुई है। पुलिस प्रशासन के पास जैसे ही इसकी सूचना हुई तो जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर रवाना हो गए। पुलिस प्रशासन ने स्थानीय प्रशासन को तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लापता लोगों को ढूंढने के निर्देश दिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया। मौके पर ग्रामीणों के साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन डटा हुआ है। प्रशासन तमाम उपलब्ध संसाधनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर नदी में लोगों की तलाश कर रहा है। स्थानीय ग्रामीण भी उनका सहयोग कर रहे हैं। हादसे के शिकार हुए लोग कौन थे और कहां जा रहे थे, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। मृतकों की भी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता से लोगों को बचाने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हालत को देखते हुए स्थानीय अस्पताल के स्टाफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एक बेहद दुखद खबर आ रही है इस वक्त बिहार के छपरा से, जहां एक नाव दुर्घटना में इस वक्त 18 लोग लापता हैं। 6 लोगों को नदी से बाहर निकाला जा चुका है, जिसमें से 3 महिलाओं की मौत की भी खबर सामने आ रही है। जो लोग लापता हैं उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें, क्योंकि ये दुर्घटना शाम में हुई थी, जिसके बाद अंधेरा हो गया, तो अंधेरे में रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन खबर मिलते ही तुरंत अधिकारियों ने और पुलिस प्रशासन ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जो इस वक्त भी जारी है। और प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को ग्रामीणों का भी सहयोग मिल रहा है। इस खबर में आगे और क्या कुछ होता है, इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।